गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जो बैंकों में विभिन्न योजनाओं के तहत धनराशि दी गई है उसके निकासी के लिए बैंकों पर भीड़ न जमा होने पाए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए, इसके लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर बैंकों द्वारा कैंप लगाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने अपील की कि जब आपको अत्यधिक पैसे की जरूरत हो तभी बैंक जाएं। इसके अलावा CDO हर्षिता माथुर ने कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जिसमें संभावित मरीजों को सोने खाने की व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के लिए स्वच्छता किट भी दिए जा रहे हैं जिससे गाँव को सैनिटाइज किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा जो बैंकों में विभिन्न लाभकारी योजनाओं के अंतर्गत धनराशि दी गई है उसके संबंध में ये निर्देश शासन से भी प्राप्त हो गए हैं कि उसमें प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा ये होना है कि कहीं भी भीड़ ना लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उसको फॉलो किया जाए। उसके दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर गोरखपुर के भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर सभी जो बैंक्स हैं उनके चाहे ग्राहक सेवा केंद्र हों या उनके माइक्रो ATMs हों उन सभी के माध्यम से कैंप लगाने की व्यवस्था की गई है जो 2 तारीख से शुरू की गई है और इसमें विभिन्न ग्रामीण इलाकों में ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से आधार बेस्ड पेमेंट के आधार पर लिए जा सकते हैं ये पेमेंट। इसमें अपील मुख्यतः 2 बिंदुओं पे होगी कि आप तभी बैंक जाएं जब आपके पास अत्यंत ज़रूरी हो कि आपको पैसा निकालना है, आप उसी समय पे बैंक जाएं। बाकी समय पे यदि आप जाते भी हैं किसी कारणवश जो आपकी आवश्यकता पड़ती है तो सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर फॉलो करें, मास्क ज़रूर पहने, हाथ ज़रूर सैनिटाइज करें और साथ ही साथ कोशिश करें कि जहाँ पर भीड़ ना लगे इस तरीके से अपने आप को अरेंज करें कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से फॉलो हो और तभी जाएं जब आपको अत्यंत आवश्यक हो, अदरवाइज घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं या पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, पंचायत भवन है, इस तरीके के करीब 1400 सेंटर्स बनाए गए हैं जिनको कि अभी कोरोना COVID-19 आइसोलेशन सेंटर के रूप में सोने की व्यवस्था दी गई है। अलग अलग कमरे में 3-3, 4-4 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। उनकी दिनांकवार डॉक्यूमेंटेशन भी की जा रही है कि कोई व्यक्ति कब आया है, कहां से आया है और उसके 14 दिन कब पूरे होंगे। उक्त क्वारंटाइन सेंटर्स हमारी मेडिकल टीम के साथ भी सहयोग लगी हुई है और वो मेडिकल टीम भी आती है और जो भी यहाँ पे आगंतुक लोग हैं उनका जाँच होती है। खाने भोजन की दोनों ही चॉइसेस दी गई हैं। अगर किसी के परिवारजन उसको देना चाहते हैं तो एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए वॉलंटियर के या सरकारी कर्मचारी के माध्यम से वो खाने भोजन को उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां पर परिवारजन के माध्यम से इसकी व्यवस्था नहीं की जा पा रही है उसमें सरकारी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था से भोजन आदि दिए जा रहे हैं। जनपद गोरखपुर में स्वच्छता किट भी दिए जा रहे हैं जिसमें कि मास्क हैं, 3 मास्क हैं, 200 ml का सैनिटाइज़र है, 2 से 3 साबुन हैं और साथ में जागरूकता सामग्री है। आइसोलेशन सेंटर्स जो हैं उसमें हमारे करीब 10,000 से ज़्यादा लोग अभी तक आ चुके हैं और उन सभी लोगों को ये स्वच्छता किट भी वितरित की गई है जिससे कि वो पर्सनल हाइजीन का आइसोलेशन